दोस्तों, दिल्ली में अनेक हॉन्टेड इलाके हैं। ऐसा ही एक इलाका है दिल्ली कैंट। वहां पर लोगों को कई डरावने अनुभव हुए हैं। बहुत से लोगों ने वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की की आत्मा को भटकते देखा है। लोग कहते हैं कि वह लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है और थोड़ी देर के लिए उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ कहते हैं कि वह जल्दी से गायब हो जाती है। कुछ के अनुसार जो लिफ्ट नहीं देते हैं उन्हें वह तरह तरह से परेशान करती है। यहाँ पर उन्हीं लोगों के अनुभव के आधार पर दिल्ली कैंट से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियाँ बताऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, तो आइए पार्ट एक को शुरू करते हैं। प्रदीप ओला टैक्सी चलाता था। एक बार वह रात के 2 बजे एक सवारी को करोल बाग छोड़ता है, फिर वह अपने घर द्वारका के लिए निकल पड़ता है। जब वह दिल्ली कैंट इलाके से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है। लड़की ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और बहुत खूबसूरत थी। वह हाथ हिलाकर प्रदीप को टैक्सी रोकने के लिए कहती है। प्रदीप दया करके टैक्सी रोक देता है। वह उसे लड़की से पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की कहती है कि उसे थोड़ी ही दूर जाना है और क्या वह उसे लिफ्ट दे सकता है। प्रदीप उसे टैक्सी में पीछे बिठा लेता है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाने पर लड़की कहती है कि मुझे यहीं उतार दो, लेकिन प्रदीप कहता है कि यहाँ तो सब सुनसान है, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। लड़की कहती है कि उसके एक रिश्तेदार उसे लेने यहीं आएंगे। यह सुनकर प्रदीप टैक्सी रोक देता है और लड़की के लिए पिछला दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र लड़की के पैरों पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की के पैर उल्टे थे। उतरते हुए प्रदीप को उसकी पीठ भी दिखती है। वहाँ सिर्फ सड़ी गली हड्डियाँ थीं। इसके बाद प्रदीप अंधाधुंध गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और थोड़ी ही दूर पर एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिनों में वह ठीक हो जाता है, लेकिन आज भी यह घटना उसकी रातों की नींद उड़ा देती है।